नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रिमाइंड में। दोस्तों मैं एक समरी लाया हूं एक ड्रामा की जिसका नाम है गोस्ट, और गोस्ट है और इसको लिखा गया है हेनरिक इब्सन के द्वारा। ठीक है, तो ये रहे अपने हेनरिक इब्सन भाई साहब, और इन्होंने ये लिखा था। बहुत सारी नॉवल्स हैं इनके द्वारा और भी जो मतलब ड्रामास और वगैरह वगैरह जो इनके काम है वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। गोस्ट है, एन एनिमी ऑफ द पीपल है, डॉल्स हाउस है, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो ये वीडियो बाकी यूट्यूब की वीडियो से कैसे अलग होगी, ये सारी चीज़ें आप जान लो पहले। और आपको मिलेगा क्या क्या इस वीडियो में, पहली चीज़ आपको मिलेगी व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस वीडियो, पहली चीज़ अबाउट दी ऑथर, हम ऑथर के बारे में जानेंगे थोड़ा सा ताकि टेक्स्ट को लिंक करना आसान हो जाए। दूसरी चीज़ हम जानेंगे समरी के बारे में, ठीक है, समरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप जिस चीज़ के लिए आए हो। थर्ड चीज़ टेक्स्ट का लिंकेज क्या है मॉडर्निज्म के साथ। आप कहते हो कि हेनरिक इब्सन जो है एक मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है, मॉडर्निज्म को, मॉडर्निज्म की जो वेव आई थी उसमें इनका पार्ट रहा है, तो कैसे ये टेक्स्ट जो है इसी से लिंक है, ये चीज़ भी हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रियलिज्म। तो इस टेक्स्ट में बोला गया है बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा कि रियलिज्म भी है इस टेक्स्ट में, यानी कि ये जो हम ड्रामा पढ़ेंगे अभी जो कि तीन एक्ट का है, तीन एक्ट में ये ड्रामा सिमट गया है, तो ये इसमें रियलिज्म कहाँ पे आपको मिलेगा, रियलिज्म होता क्या है, मॉडर्निज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो आपको बने रहना स्टार्टिंग टू दी एंड। और ये वीडियो मैं बता दूं आप लोगों को दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि अबाउट द ऑथर और समरी को अच्छे से निपटा लें ताकि आपको बिल्कुल भी बोरियत ना फील हो। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण जो है कई बार आप बीच में स्किप कर जाते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग टू द एंड देखनी वीडियो। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में भी पॉसिबली नेक्स्ट पार्ट में मैं डाल दूँ, बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, लेकिन मैं हिंट इसी वीडियो में दूंगा, तो आपको स्टार्टिंग टू द एंड देखनी है वीडियो। ठीक है, फॉर मोर यू कैन व्हाट्सएप एट 8383018454। दिस इज़ माई कह लो कि पर्सनल नंबर भी है, और आप प्लीज़ स्पैम मत करना इसको, आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप डाल सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए दिस इज़ माई आईडी, यू कैन सर्च इट। चलो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा ड्रामेटिस्ट के बारे में। तो ये हेनरिक जोहान इब्सन जो है ये 20th March 1828 में पैदा हुए थे, तो आप समझ सकते हो 1828 वो दौर था जब, देखो 1600 के आसपास तो ये सारा आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह, तो 1828 काफ़ी वो दौर था जब काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका था। यूरोपियन जो हैं लोग अपना एक्सपेंशन कर चुके थे वर्ल्ड ओवर, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी जो जगह हैं जहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया था यूरोप के लोगों ने। ठीक है, अपनी कॉलोनी सेटअप कर रहे थे, तो मतलब सोच लो कि साइंस डेवलप हो चुका था इस टाइम तक में। ठीक है, ये जो बंदा था ये 1906 तक बचा, तो ये भी समझ लो कि 1900 के आसपास का टाइम तो ऐसा था कि हम साइंस में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके थे। तो सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से लिंक हो रही है, मॉडर्निज्म में। तो मॉडर्निज्म था क्या, एक ऐसी वेव थी जहाँ पे मॉडर्न फिलोसॉफी आई। देखो मॉडर्निज्म क्या है, एक रेवोल्यूशन टाइप है, किस चीज़ में, विचारों में, यानी कि फिलोसॉफी में और आर्ट के फील्ड में। ठीक है, तो आर्ट, जब आर्ट के बारे में आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आर्ट में जो है चेंज आया। ठीक है, पहले पेंटिंग किसी और टाइप से होती थी, फिर किसी और टाइप से हुई। ठीक है, तो ये सारी जो है आर्ट की बात। अगर मैं लिटरेचर के फील्ड में बात करूँ तो लिटरेचर के फील्ड में जो है, जो दुनिया में रियली में हो रहा था, वो सारी चीज़ें फिर पेश की जाने लगी कहाँ पे, आपके थिएटर्स में। मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ इस टाइम तक में 1828 टू 1906 यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि टीवी वगैरह था, कि टीवी में कोई जो है मूवी बना के पेश की जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सारे ड्रामा वगैरह जो लिखे जाते थे वो क्या होगा उनके साथ, थिएटर में पेश किए जाएंगे। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये सारी जितने भी नॉवलिस्ट थे या फिर जो ड्रामेटिस्ट थे, ये ड्रामा जो लिखा करते थे, एक्चुअली ये इनको लिखा जाता था कि ये थिएटर में पेश की जाए। ठीक है, तो सेम अपने इस प्ले राइट ने भी, इसको हम, इनको हम प्ले राइट ही बोलेंगे क्योंकि इन्होंने भी प्ले लिखा था। ठीक है, ड्रामेटिस्ट हैं ये भी, तो इन्होंने जो है लिखा, फिर इसको थिएटर में पेश किया गया। तो ये जो दौर था, साइंस में हम भले ही डेवलप कर चुके थे बट टीवी वगैरह नहीं था, तो लोगों के पास एक मात्र जरिया था अपने आप को एंटरटेन करने का, वो था थिएटर जाना, बुक्स पढ़ना, नॉवल पढ़ना, बुक्स पढ़ना और थिएटर जाना। दिस वॉज देयर स्केड्यूल, यू कैन से कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए यही करना, हम तो मूवी देख लेते हैं आजकल, नेटफ्लिक्स है, फ़ोन है, सब कुछ है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, सब कुछ है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो समझ सकते हो आप। ठीक है, तो इब्सन को ही जो माना जाता है फादर ऑफ रियलिज्म, ये आप याद कर लो कि इब्सन इज़ रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म। ठीक है, तो बहुत सारी, अब रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म शॉर्ट में अगर मैं बता दूँ तो एक ऐसा टाइप का जो है लिटरेचर में आपको मूवमेंट टाइप का मिलेगा, जहाँ पे जो है जो ओरिजिनल चीज़ें थी सोसाइटी में जो चल रही थी वो आपको शो किया गया है आपके लिटरेचर के फील्ड में। बाकी मैं इसको और डीपली बताऊंगा जब मैं रियलिज्म का टॉपिक बताऊंगा अभी इसी वीडियो के एंड में। ठीक है,
पार्ट टू में मे भी पॉसिबली मैं पार्ट टू में बताऊँ, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग टू द एंड देखनी है, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो जस्ट स्किप दिस पार्ट फॉर द टाइम, ठीक है? तो ये अपने टाइम के जो है काफ़ी फेमस प्ले राइट माने जाते हैं और इन्फ्लुएंशियल। देखो कोई भी चीज़, मान लो भारत में अगर मैं बात करूँ या फिर किसी और भी जगह, जैसे अब रेसिज्म का चलता है तो प्रॉब्लम हर जगह थी, ठीक है? तो उसको समाज में जो है सुधारा जाता है। लेट्स से कि सती प्रथा थी इंडिया में, तो सती प्रथा को हटाया गया है बाय द राइटिंग वर्क्स, लोगों को जगाया गया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है समाज में, फिर एक है कि नया रेवोल्यूशन आता है, नई नई चीज़ें आती हैं और फिर उस टाइप से जो है उस कह लो आप उस कस्टम को हटाया जाता है। तो इसीलिए जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको वेव्स मिलेंगी लिटरेचर में, कभी फेमिनिज्म के ऊपर, कभी मॉडर्निज्म के ऊपर, कभी आपने सुना होगा रोमांटिसिज्म आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। बाकी अपने इब्सन भाई साहब ने बहुत सारी नॉवल्स लिखी थी, आप पढ़ सकते हो, डॉल्स हाउस, हेडा गैबलर, गोस्ट, जो कि अपने सिलेबस में ही है। तो ये शेक्सपियर के बाद जो है और भी जो है ऐसे ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं जो कि जिनका जो है ही इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म ड्रामेटिक्स, मतलब जिनके ड्रामा को जो है कई बार परफॉर्म किया गया स्टेज में। लास्ट इनका जो है घोस्ट 2014 में पब्लिश हुआ था चाइना में, मतलब प्रीमियर किया गया था चाइना में इसी प्ले को। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये बंदे, अपने मॉडर्निज्म की बात करें, रियलिज्म की बात करें तो इनका काफ़ी बढ़िया हाथ था। तो ये वैसे तो डी यू के MED पार्ट में है, मतलब मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के पार्ट में है, तो आप सारी चीज़ें समझ ही सकते हो, ठीक है, कि किस टाइप से जो है इनका जो है हाथ है मॉडर्निज्म की, जो मॉडर्निज्म का जो वेव आया था उसमें इनके नॉवेल्स ने या फिर इनके ड्रामास ने किस टाइप से जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। समरी पे आ जाते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। समरी क्या कहती है? समरी को जाने से पहले आप करेक्टर्स जान लो। आपको मिलेगा पहले स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में मिस्टर एल्विन। स्टार्टिंग ऑफ द प्ले तो वैसे कहीं और से स्टार्ट होती है, जो रजीना से स्टार्ट होता है, बट एनीवेज एक जान लेते हैं सीक्वेंस टाइप में। आपको मिलेगा पहले, एक मिनट नीचे आ जाता हूँ, देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी आई थिंक, यस, मिस्टर एल्विंग मिलेगा और मिसिज एल्विंग मिलेंगी। तो मिस्टर एल्विंग तो इनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो इनकी प्ले में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जस्ट आपको हिंट सा मिलेगा पीछे, कि इनका करेक्टर जो था वो थोड़ा सा ढीला था, इन द सेंस डिबॉचरी में इन्वॉल्व थे ये, अपनी वाइफ होने के बाद भी किसी और पे ये जो है किसी और के साथ इनका अफेयर चल रहा था, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। और मिसेज एल्विंग जो है एक मालकिन है, हाउस एक बड़ा सा इनका घर टाइप का है, तो इनकी मालकिन है, ठीक है? और कुछ सालों की बाद की पहले की बात करें, कुछ साल पहले की, तो ये मकान मालकिन हैं और ये कुछ सालों पहले की अगर बात करें, बहुत साल पहले की, तो जोहाना नाम की जो है एक मेड काम किया करती थी इनके वहीं पे। तो अब मिस्टर एल्विंग का इनके साथ अफेयर था, तो फिर इनके साथ अफेयर था तो एक ये मिसेज एल्विंग नहीं चाहती थी कि आगे बात बढ़े, तो काफ़ी कुछ छुपाती है अपने मन में अपने हस्बैंड के बारे में। फिर जोहाना को जो है कुछ पैसे वैसे दे के जो है शादी करवा देती है इंगस्टैंड के साथ। ये सारी चीज़ें आपको जो है बताऊंगा अभी समरी में, बट आप बस ऐसे याद कर लो। तो इंगस्टैंड कौन है? एक कारपेंटर है फिलहाल, अगर प्रेजेंट की बात करें स्टोरी में, तो ये मिसेज एल्विंग के लिए एक ऑर्फनेज बना रहे हैं, एक आश्रम जैसा ही कुछ चीज़ बना रहे हैं। इंगस्टैंड एक कारपेंटर है, ये मिसेज एल्विंग के लिए एक ऑर्फनेज बना रहा है, किसकी याद में? मिस्टर एल्विंग की याद में। अब आप कहोगे कि इसका हस्बैंड इतना गंदा था तो भी अपने हस्बैंड की याद में ऐसी कोई चीज़ बना रही है, इसका रीज़न था क्योंकि अपने हस्बैंड की काली कमाई को, या फिर जो समझ लो कि इतने जो इनके हस्बैंड गंदे थे उसकी कमाई को ये कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते थे, अपने लाइफ में कभी भी जो है इसको यूज़ नहीं करना चाहते थे अपने हस्बैंड की इस कमाई को। तो अपने लिए जो ये खुद कमाती थी वो तो रखती थी, बाकी जो इसका हस्बैंड है जितना भी इनका पैसा था वो सोचती थी कि ऑर्फनेज ही चला दूँ इसके नाम पर, मेरे को नहीं चाहिए, इसके पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो इनका वाइफ ये, लेकिन अफेयर इसके साथ, तो बाद में इसको जो है इसके साथ शादी करवा दिया जाता है इंस्टेंट के साथ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं कह लो आप, ठीक है, स्टोरी के हिसाब से। बाकायदा ये जो है 70 पाउंड लाती है और इससे शादी कर लेता है। कुछ आपको मिलेगा स्टोरी में कि शायद पैसे के कारण इसने शादी करी थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी, ठीक है। उसके बाद देखो इसका अफेयर जो हुआ था, तो उससे पैदा हुई थी, मतलब पैदा क्या हुई थी, मतलब शादी से पहले जब इनकी फिर जब शादी हुई जोहाना और इंस्टेंट की, उसके बाद पैदा हुई थी रजीना, ठीक है। तो कहने के लिए तो ये जोहाना और इंस्टेंट की बेटी है, बट एक्चुअली में मिस्टर एल्विंग की ही है ये, ठीक है, अगर देखा जाए तो। जोहाना इंस्टेंट की बेटी रजीना कहने के लिए, क्योंकि शादी के बाद ही वैसे पैदा हुई थी, बट अफेयर तो पहले ही चल गया था मिस्टर एल्विंग और जोहाना के बीच में, समझ आ रहा है आपको। और फिर
मिस्टर एल्विंग और मिसिज एल्विंग का बेटा मिस्टर ओसवाल्ड, मिस्टर एल्विंग और मिसिज एल्विंग का बेटा मिस्टर ओसवाल्ड। अब होता क्या है कि जोहाना पहले इनके घर में काम करती थी, बहुत साल पहले शादीवादी हो चुकी है। अब रजीना जो है बड़ी हो चुकी है, तो एक्चुअली रजीना जो इंस्टेंट की बेटी है, एक्चुअली इंस्टेंट की जो बेटी है एक्चुअली ये रजीना, आपको देख रहे हो इसको रजीना, ये अब काम करती है मिसिज एल्विंग के ही घर पे एक मेड की तरह। मिसिज एल्विंग अपनी बेटी की तरह इसको पालती है, ठीक है, बड़ा करती है। बट होता क्या है कि और मिस्टर ओसवाल्ड जो है इसी बीच में बड़े हो जाते हैं। मिस्टर ओसवाल्ड जो है बेटा है मिस्टर ओसवाल्ड किसका, मिस्टर एल्विंग और मिसिज एल्विंग की, ठीक है। ये बहुत ही साल अपने घर से दूर बिताता है, अपने मम्मी पापा से बहुत ही दूर, बहुत दिन हो जाते हैं, तब आता है पेरिस से लौट के, तो ये इससे प्यार करने लगता है। अब समझ रहे हो, वैसे तो कहने को ही क्या है, भाई बहन होंगे अगर ये देखा जाए, मिस्टर एल्विंग और जोहाना के बीच का जो अफेयर अगर देखा जाए उसके हिसाब से तो ये भाई बहन है। बट जोहाना और इंस्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर ओसवाल्ड क्या सोचता है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी जो है वाइफ बनने लायक है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक बार मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को। बाकी इनके घरों घर में एक और मेहमान आता है मिस्टर और मिसिज एल्विंग के घर में। मिस्टर एल्विंग वैसे मर चुके हैं, क्या नाम होता है उस मेहमान का, पेस्टर मेंडर्स। अब ये कौन होता है, ये देखो जमीन जायदाद के लिए एक आप किसी को रखते हो ना जमीन जायदाद के लिए हमेशा, जैसे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए, सीए टाइप में समझ लो, तो एक ऐसा ही सीए तो नहीं बोलूंगा फिर भी, बट जमीन जायदाद की और सारी चीज़ों की जानकारी रखने वाला एक इंसान होता है, मतलब इंसान का एक करेक्टर है इस स्टोरी में, उसका नाम है पेस्टर मेंडर्स। पेस्टर मेंडर्स हैं जो कि इसी ऑर्फनेज के बारे में सारा कुछ इनके पास हिसाब किताब है, कितना खर्चा, क्या इंश्योरेंस करवाना है कि नहीं उस ऑर्फनेज का, ये सारी चीज़ इनके पास जानकारी है। ये मिसेज एल्विंग के घर में जो एक विजिट पे करने आते हैं। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मिस्टर एल्विंग मिसिज एल्विंग हस्बैंड वाइफ थे, इनकी डेथ हो चुकी है, ये बची हुई है अभी भी, ये बची हुई है और इसका बेटा बचा हुआ है। बेटा जो है पेरिस से आया होता है बहुत सालों बाद, अपने मम्मी पापा से दूर ही रहता था हमेशा ही। बहुत साल पहले की अगर बात करें तो जोहाना नाम की एक लड़की काम किया करती थी एज अ मेड मिसिज एल्विंग के घर में, जिनका इनके साथ अफेयर चल गया था, इसके हस्बैंड का इसके साथ, तो फिर इसको अच्छा नहीं लगा तो इसने इसकी शादी इससे करवा दी, इंस्टेंट के साथ। इंस्टेंट अभी भी जिंदा है जो कि एक कारपेंटर है। इसकी बेटी कहने को तो इसकी बेटी कौन है, अभी जोहाना से ही पैदा हुई थी ये, मतलब जोहाना अपनी वाइफ मतलब इंस्टेंट की वाइफ जोहाना से ही बेटी पैदा हुई थी रजीना, कहने के तो ये इसकी बेटी है, बट ये मानते हैं कि इसकी है समझ लो आप, क्योंकि इनका अफेयर चला था तो प्रेग्नेंट हो गई होंगी जोहाना इन द सेंस। तो इंस्टेंट मानता है कि मेरी बेटी है फिलहाल, तो मिसेज एल्विंग को ये सारी चीज़ें पता होती हैं क्योंकि कर रहा है तो इसी ने सब कुछ है ना, तो पता होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं अपने माइंड में। बाकी ओसवाल्ड को ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं पता होती और रजीना को भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं होती। जब पता लगता है तो फिर क्या होता है वो तो हम जानेंगे स्टोरी में। पेस्टर मेंडर्स कौन है, जमीन जायदाद का मालिका मतलब हिसाब किताब समझ लो, ऑर्फनेज का सारा हिसाब किताब रखने वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं समरी विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो प्ले जो है 19th सेंचुरी नॉर्वे में जो है, नॉर्वे की स्टोरी को जो है एक दिखाया गया है यहाँ पे, तो नॉर्वे की एक लाइफ स्टाइल को दिखाया गया है, फिर लाइफ कैसे हाउस होल्ड था, वेल्थी हाउस होल्ड, एल्विंग के घर के बारे में सब कुछ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरी पूरी इसी के बीच में घूमती है। देखो एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कोई भी टेक्स्ट पढ़ो ना तो ऑथर के बारे में आप जब पढ़ लेते हो तो आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ जो सिमिलर होता है। देखो यहाँ पे नॉर्वे लिखा हुआ है ना, सिमिलरली ये जो अपने प्ले राइट हैं इब्सन जी इन्होंने लिखा है, वो भी नॉर्वे नहीं थे, नॉर्वेगियन नहीं थे, तो आप समझ लो कि एक्चुअली आपको ऑथर का पार्ट मिलेगा ही मिलेगा, ड्रामेटिस्ट का पार्ट मिलेगा ही मिलेगा कहानी में, क्योंकि वो लिखेगा कहाँ से, वो प्रेरित कहाँ से होगा चीज़ें लिखने के लिए, अपने आसपास की दुनिया से, समझ आया। तो 19th सेंचुरी के बारे में सारा कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि मॉडर्निज्म का माना जाता है स्टार्टिंग कहाँ से थी, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, सॉरी लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जो है मॉडर्निज्म का जो है पूरा जो एक माना जाता है कि वेव चली थी। तो आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप टेंशन मत लो। जब मैं लेट 19th सेंचुरी बोलता हूँ तो मतलब 1850 के लास्ट लास्ट में, मतलब 1880 1890 ऐसे के बीच में, और अर्ली 20th सेंचुरी बोलता हूँ मतलब 1906 1910 ये सब होता है, ठीक है, आपको पता होगा आई थिंक ये सारी चीज़ें, नहीं पता तो कभी और एक वीडियो बना लूँगा इसके लिए भी। तो होता क्या है कि अब बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर बात करें तो ये घर दिखाया गया एल्विंग का, एल्विंग के घर में जो है फिलहाल अभी कौन रह रही है, मेड मेड बन के रजीना, ठीक है, रजीना रह रही है ना मेड बन के, रजीना को पाला पोसा है एल्विंग ने, मिसिज एल्विंग ने। तो इंस्टेंट आते हैं, जैकोब इंस्टेंट यानी कि रजीना का बाप मिलने आता है किससे, रजीना से, गार्डन के रास्ते से आता है वो, मिलने आता है रोजी, ऐसे मिलने आता है
तो अपनी बेटी को कहता है बेटी अब तू मेरे साथ चल, तुझे यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी खुश नहीं होती अपने बाप से। उसको लगता है कि जिस बाप ने आज तक मेरी कभी हेल्प नहीं करी, जिस बाप ने मेरे को कभी रखा ही नहीं अपने साथ, मेरा पालन पोषण सारा कुछ इन्होंने करा है, मिसेज एल्विंग ने करा है, ये सोचती है रजीना, तो मैं इस घटिया इंसान के पास क्यों जाऊँ, इस पियक्कड़ इंसान के पास क्यों जाऊँ, ठीक है, इस पियक्कड़ इंसान के पास क्यों जाऊँ जिसने कभी समझा ही नहीं मेरे को। तो ये रे बाप बेटी समझ लो, आप मिलने आता है तो इनके बीच में बहसबाजी होती है, और बेटी कहती है अपने बाप को कि चले जाओ मुझे नहीं जाना आपके साथ। ये एक प्रपोजल आता है, वैसे प्रपोजल क्या होता है कि एक वो ब्रोथल खोलेगा, ब्रोथल वैसे कोठा टाइप में होता है, तो एक कोठा टाइप में खोलेगा और वो कहता है कि तुम बेटी वहाँ पे काम करना, कुछ अजीब काम नहीं होगा, बस तुम जो लोग आएंगे वहाँ पे सेलर वगैरह आएंगे, बस उनको सर्व करना होगा तुम्हारा काम। ये बाप प्रपोजल आता है, ये सुन के ये भड़क जाती है, और ये रजीना अपने बाप को भगा देती है, कहती चले जाओ यहाँ से चुपचाप। इंस्टेंट हैज़ बिन वर्किंग ऑन द कैप्टन एल्विंग मेमोरियल। अब ये क्या है कि इंस्टेंट एक्चुअली अब आया कहाँ से, अब आप पूछोगे इंस्टेंट क्या कर रहा था, तो मैंने बताया था एल्विंग जो है एक ऑर्फेनेज बना रही थी अपने हस्बैंड के याद में, तो इंस्टेंट जो है वहाँ पे कारपेंटर था, जो कि पूरे आपको पता है यूरोप वगैरह में किस टाइप के घर हुआ करते थे पहले लकड़ियों के, तो इंस्टेंट जो है वहाँ पे एक कारपेंटर था जो कि घर को बनाने में जो है इन्वॉल्व था उसी घर में, तो वही आता है असाइलम वगैरह बनवा ऑर्फनेज बनाने के उसमें काम में लगा होता है। तो ऑर्फनेज जो है नेक्स्ट डे जो है ओपन होने वाला होता है, मतलब ऑर्फनेज का सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, नेक्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो सारा कुछ लगभग सारा प्री प्लान्ड ही था, सब खुश थे, ठीक है। तो अपनी अपनी बेटी के सामने एक ब्रोथल वाला आइडिया रखता है, कहता है कि वेरी गुड आइडिया होगा अगर तुम आ जाओ हम साथ रहेंगे। ही सजेस्ट हिज डॉटर शुड कम विद हिम एंड वर्क देयर, कि तुम आओ हम मिलके काम करेंगे। लेकिन ये भड़क जाती है कि मेरा बाप मुझे ब्रोथल पे काम करने को कह रहा है, ये रजीना सुन के जो है गुस्से में आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ही जब ये अपने बाप को भगा देती है वहाँ से गुस्सा होके, वो कहती है कि चले जाओ तुम वहाँ से, ऑर्डर सेम अवे कि तुम चले जाओ, मेरा मुझे मुंह मत दिखाना दोबारा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है पेस्टर मेंडर आता है, क्योंकि बहुत दिनों से जो है बारिश हो रही होती है मिसिज एल्विन के घर के आसपास, तो पेस्टर मेंडर्स आता है जमीन जायदाद और ऑर्फनेज के कागज़ वागज लेके, क्योंकि अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी है, वहाँ पे कुछ डिबेट डिबेट कह रहा हूँ सॉरी स्पीच वगैरह देना है, तो वो मिसिज एल्विन से कुछ ज़रूरी बातचीत करने आता है कि भाई आपको लेना है कि नहीं इंश्योरेंस वगैरह, और भी काफ़ी हाल चाल पूछने आता है, ठीक है, क्योंकि कल ओपनिंग सेरेमनी है ऑर्फनेज की। तो इसी बीच पेस्टर मेंडर गीला हो गया होता है, तो जोहाना जो है रजीना जो है हेल्प करती है उसको, उसके कपड़े वपड़े जो है जैसे कोट वगैरह जो पहन के आता है, छाता वाता सुखाने में जो है हेल्प करती है। पेस्टर मेंडर जो है रजीना को जो है ग्रीट करता है, उसके बाद जो है वो कहती है कि तुम अपने बाप के साथ क्यों नहीं चली जाती, तुम यहाँ पे क्यों क्यों हो, मतलब ये पूछता है। तो फिर रजीना जो है गुस्से में क्या मतलब बोलती है कि मेरे बाप तो ऐसा है पियक्कड़ टाइप में है वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद जो है इसके बाद मकान मालकिन जो है एल्विंग आ जाती है, और पेस्टर मेंडर जो है उससे फिर हाल मुलाकात मतलब हाल चाल पूछता है, बातचीत करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बातचीत करते करते, फिर ये पहुँचते हैं एक ट्रुथ जानने के लिए। बेसब्र होता है, ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कौन, पेस्टर मेंडर। ये सोचता है कि एक बार जो है मतलब ये बोलता है कि एल्विंग एक बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम मेरे घर पे आ गई थी अपने हस्बैंड को छोड़ के, तो इस चीज़ का सीक्रेट मेरे को आज तक नहीं पता चला, मुझे जानना है, कौन कहता है, ये पेस्टर मेंडर बोलता है। तो फिर ये सारी बातें पीछे की रिपीट होती हैं कि पीछे हुआ क्या था, कैसे जो है मिस्टर एल्विंग जो है जोहाना जो कि रजीना के बाप थे, मतलब रजीना के बाप ही समझ लो जिनका अफेयर जोहाना के साथ चल रहा था, तो मिसेज एल्विंग बताती है कि उसका हस्बैंड कितना गंदा था, एक डिबॉच्ड मैन था जिसने उसको जो है इसलिए उसने छोड़ा था इसको डिबॉचरी के कारण, क्यों फिर डिबॉचरी के कारण छोड़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि सोसाइटी जो है उल्टा सीधा सोचने लगी हमारे बारे में, तो वो फिर मिस्टर एल्विंग के पास जाती है मिसेज एल्विंग। तो यही चीज़ जानना चाहता था पेस्टर मेंडर की, एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ था कि तुम क्यों अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद फिर वापस जाती हो। तो ये मिसेज एल्विंग बताती हैं कि इसका हस्बैंड जो है एक डिबॉच्ड मैन था, जिस हाउस जिस मेड को रखा था उसी के साथ ही अफेयर चलाने लगता है, वो बताती है मेंडर को, पेस्टर मेंडर को। पेस्टर मेंडर ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये तुमने बात पहले क्यों नहीं बताई मेरे को। फिर वो कहता है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें बता ही रहे हो फिर भी तुम उसके लिए ऑर्फनेज बनाना चाहते हो एक, तो ऐसा क्यों। तो बोलती कि मैं अपने हस्बैंड की कोई भी चीज़ जो है अपने पास नहीं रखना चाहती, मैं जो अपना कमाती हूँ उसी से मैं अपने बेटे का और अपना पेट भरती हूँ, मुझे नहीं चाहिए उस गंदे से इंसान का कोई भी एक भी फूटी एक एक कौड़ी तक नहीं चाहिए उस इंसान की, मैं उस हर एक उस कौड़ी को जो है उसी के काम में लगा देना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके पैसे का मोहताज नहीं बनना चाहती। ये सारी चीज़ें जो है उसको शेयर करती है मेंडर को, पेस्टर मेंडर को, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट दिन जो है ओपनिंग सेरेमनी होती है उसी ऑर्फनेज की, तो ये कहते हैं कि अब एक पार्सल आता है, तो रजीना उस पार्सल को लेती है, फिर उस पार्सल में जो है एक ओपनिंग सेरेमनी की जो स्पीच होती है, तो ये सोचते हैं कि कल क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं, ठीक है। तो यही बहसबाजी चलती है इनके बीच में। उसके बाद मिसेज एल्विंग बोलती हैं ठीक है कल तो ओपनिंग सेरेमनी है, हम स्पीच वगैरह देंगे, बट ये एक चीज़ और बताती है कि कैसे जो है इंस्टेंट इंस्टेंट जो कि कारपेंटर था, तो जो कारपेंटर था जिसने घर बनाया था, वो जो लकड़ियाँ छील के रखता है उसमें कैसे उस गधे ने जो है एक बार आग लगा दी थी, ये कौन बोलता है, मिसेज एल्विंग बोलती है पेस्टर मेंडर को, किसके बारे में, इंस्टेंट के बारे में, कि उसकी छोटी सी गलती के कारण जो है एक बार आग लगे था जस्ट कुछ ही दिन पहले, प्रीवियस डे में, ठीक है। तो मेंडर्स डिफेंड अपने आप को, मेंडर जो है डिफेंड करता है इंस्टेंट को, क्योंकि मेंडर और इंस्टेंट जो है काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, तो ये नहीं चाहता कि इंस्टेंट के बारे में कोई बुरा भला बोले, ठीक है। बाद में जब पता चलता है इंस्टेंट के बारे में, तो फिर ये थोड़ा चिढ़ता है मेंडर कि इंस्टेंट ने मेरे से ये वाली बात छुपाई। अब क्या वाली बात छुपाई मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी मेंडर का कहना ये होता है कि इंस्टेंट एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो रजीना को प्लीज़ उसके साथ भेज दीजिए। तो मिसेज एल्विन कहती है रजीना को उसके साथ भेज दूँ, इंस्टेंट के साथ, उस गंदे इंसान के साथ मैं कभी नहीं भेजूंगी, ठीक है। मेंडर सुन के हैरान हो जाता है, अब इसका रीज़न जानना चाहेगा, क्योंकि मेंडर एक ऐसा इंसान है जो कि हर एक चीज़ का जो है रहस्य तक जानना चाहता है, ठीक है। जो कि उनका जमीन जायदाद का जो भी है वो करने वाला होता है वही मेंडर, ठीक है, वो सारी तह तक जाना चाहता है बातों की। अब इसी बीच में जो है ओसवाल्ड आता है, ओसवाल्ड कौन, ये रहा ओसवाल्ड, ओसवाल्ड कौन, एल्विन का बेटा, यानी कि मिस्टर और मिसेज एल्विन का बेटा। डाउन स्टेयर आता है, वो क्या है, हैंडसम है, स्मोकिंग एक पाइप में जो है एक पाइप पी रहा होता है, पाइप इन द सेंस टोबैको ले रहा होता है या फिर बीड़ी सिगरेट जो भी आप कहना चाहते हो वो ले रहा होता है। तो मेंडर जो है देख के हैरान हो जाता है, वो सोचता है यार ये तो बहुत बड़ा हो गया है, हैंडसम हो गया है, बहुत दिनों बाद देखा है इसको, ये तो मतलब अपने बाप जैसा ही दिख रहा है, ठीक है, अपने बाप जैसा ही दिख रहा है बिल्कुल ही, तो जैसे मैं देखा करता था उसके फादर को बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, उसकी होंठ वोट सब कुछ ऐसे ही है, तो मतलब कंपैरिजन करता है मेंडर, देखता है ध्यान से। फिर इनके बीच में बहसबाजी चलती है, पूछता है हालचाल ओसवाल्ड के बारे में, तो ओसवाल्ड कहता है कि मैं तो एक फेलो आर्टिस्ट हूँ, पेरिस में बहुत साल बिताए हैं मैंने, ठीक है। इनके बीच में फिर एक डिबेट चलती है, डिबेट देखो यही मॉडर्निज्म है, मैं बता रहा हूँ आपको ना कि यही मॉडर्निज्म है, मॉडर्न फिलोसफी आपको मिलेगी कि शादी से पहले ही आप जो है एक साथ रह रहे हो, एक लड़का एक लड़की एक साथ रह रहे हैं शादी से पहले ही, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसी चीज़ को लेके पेस्टर मेंडर जो है बिल्कुल डिसएग्री करता है ओसवाल्ड की बातों से, ओसवाल्ड कहता है कि वहाँ पे पेरिस में तो ऐसे ही चलता है देखो, तो ओसवाल्ड जो है कहता है और मेंडर इसको डिसएग्री करता है और मनी मन में जो है सोचता है। फिर एल्विन को कहता है, मिसेज एल्विन को, देखो तुमने अपने बेटे को किस तरह से बड़ा किया, ये है तुम्हारी परवरिश कि शादी से पहले किसी के साथ और रह रहा है ये वगैरह वगैरह। तो बहसबाजी चलती है इनके बीच में ओसवाल्ड और मेंडर्स के बीच में। पहले तो माँ सपोर्ट करती है अपने बेटे का कि नहीं ठीक है चलता है वहाँ पे ऐसा, फिर वो भी सोचने लगती है कि यार हाँ ये तो इसके बाप ने भी किया था, अब ये भी ऐसे ही करेगा, ठीक है, मतलब मिस्टर एल्विंग ने भी यही किया था, वो भी शादी होशुदा होते हुए भी किसी और के साथ अफेयर चला रहा था, मतलब मेरा बेटा भी कहीं इसी राह पे तो नहीं है। तो डिफेंड करने के चक्कर मतलब अपने बेटे को जो है फिर ये डिफेंड करना चाहती है कि नहीं अपने बाप जैसा ना बन जाइए, क्योंकि यही उसकी लास्ट होप थी, कह लो कि मदर्स मदर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि अपने बेटे को कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ में ना पड़ जाए। तो मैंडर एक दिमाग में तो ये भर ही देता है एल्विन के कि अपने बेटे की परवरिश ये, तुम्हारे बेटे की परवरिश ये बातें बोल रहा है, बताओ हैं। तो फिर मिसेज एल्विन जो है फिर सोचती है इस बारे में, सोचती है कि नहीं मुझे ओसवाल्ड को राह पे लाना होगा, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि ओसवाल्ड चला जाता है इस बहसबाजी के बाद ऊपर, पेस्टर मेंडर नीचे रहता है, इनके बीच में और बातचीत चलती है। फिर वो बात उभर के आती है जो मैंने अभी ऊपर छोड़ी थी कि कैसे जोहाना की जो है शादी इंस्टेंट के साथ करवाई जाती है, वो बात उभर के आती है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके सामने आती हैं, जब ये बोलता है ना पेस्टर मेंडर ये परवरिश है तुम्हारी, तो ये बताती है कि ये बिल्कुल बाप पे ही गया है अपने, कैसे इसके बाप ने भी जो है जोहाना नाम के एक जब उनका एक मेड थी तो उसके साथ अफेयर चलाया था, बाद में जो है जोहाना को जो है वापस भेजना पड़ा था, इंस्टेंट के साथ जो है रिलेशनशिप में मैंने डलवा दिया था, ये सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट करती हैं कौन, मिसेज एल्विन।
तो मिसेज एल्विंग ही बोलती हैं कि मैंने उसको पैसे दिए थे और उसकी एक बेटी थी, बट फिर भी इंस्टेंट ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब मैंने सारा का सारा दोस्त जो है अपने हस्बैंड का, वो सारा का सारा मैंने इंस्टेंट को दे दिया था। कहने का मतलब ये है। तो ये सब चीज़ें सुनता है पेस्टर मेंडर्स तो थोड़ा अजीब फील करता है कि पेस्टर मेंडर इतना बढ़िया दोस्त होने के बाद भी, पेस्टर मेंडर सॉरी, पेस्टर मेंडर जब भी सारी बातें सुनता है मिसेज एल्विंग की कि इंस्टेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और इंस्टेंट ने आज तक कभी इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया कि जोहाना कैसे उसको मिली थी, पैसे वैसे भी मिले थे इसको शादी करने के। तो ये चीज़ें जब उसको पता लगती है कि इंस्टेंट ने ये बात छुपाई है, तो वो इंस्टेंट के प्रति थोड़ा सा जो है जलनशील, मतलब जलन टाइप में रखने लगता है कि मेरे इतना क्लोज होने के बाद भी छुपाया इंस्टेंट ने मेरे से ये बातें, कौन कहता है ये आपका पेस्टर मेंडर। तो एल्विन कहती है कि मैंने बहुत सारी कोशिश करी कि ये सारी सच्चाई छुपा लूँ, बट नहीं हो पाया। मैं अपने सारे हस्बैंड के इसी पैसे को जो है इसी ऑर्फनेज में लगा देना चाहती हूँ। तो फिर ये बताती हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी अपने हस्बैंड के किसी भी याद को, क्योंकि ये इतना गंदा इंसान था। तो मैंने सोचा कि उसके सारे पैसे को जो है लेके एक ऑर्फेनेज ही बना दूँ उसके नाम पे। दुनिया कम से कम इतना तो, मतलब मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं सोचेगी, कम से कम हमारी रिलेशनशिप जो भी थी, मैं छोड़ के चली गई थी एक बार उसको, तो इस सब के बारे में दुनिया तो कुछ नहीं बोलेगी। मतलब देख सकते हो कि ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कितना था, है ना। सोसाइटी क्या बोलेगी, इवन तो अभी भी है, इसके बारे में हम क्या ही बोले अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब सुनता है मेंडर, वो स्टंट हो जाता है कि रजीना, मिसेज एल्विंग, ये सब क्या बता दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सोचने लगता है कि यार इतना रहस्य छुपा हुआ था इनकी फैमिली में और आज तक मेरे को पता ही नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें फिर एक बार सुनता है ये। ठीक है, तो सेकेंड एक्ट चालू हो जाता है, फर्स्ट एक्ट अपना खत्म हो गया। पेस्टर मेंडर और मिसेज एल्विंग डिस्कस करते हैं कि अब आगे हम क्या करें, क्या करना है हमें, क्या रजीना को वापस भेज देना चाहिए। तो रजीना और ओसवाल्ड कैन नॉट बिगिन टू कैरी, तो इसी बारे में ये सोच ही रहे होते हैं कि अब इनका क्या करना है, रजीना और ओसवाल्ड का कहीं बिल्कुल अपने बाप पे ना चला जाइए, जैसे इसके बाप ने एक मेड के साथ अफेयर चला लिया था वैसे ओसवाल्ड ना कर ले। तो इसी बीच में जब ये कर ही रहे होते हैं कुछ बातचीत, तो होता क्या है कि ओसवाल्ड जो है हाथ वाथ पकड़ लेता है, और कुछ मतलब अफेयर टाइप का ही चल रहा होता है ओसवाल्ड और रजीना के बीच में। ठीक है, अफेयर टाइप का चलता है, एक्चुअली ओसवाल्ड जो है प्यार करता है रजीना से। तो ओसवाल्ड यहाँ तक ये भी चाहता है कि मैं इसको जो है मैं इससे शादी कर लूँ, यही मेरी लास्ट होप है। आपको कहानी में ना एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी बस उसको आप मन में दबा के रखिए, आप सुनिए मत अभी, नहीं तो सारा इंटरेस्ट ख़राब हो जाएगा आपको जब मैं बता दूंगा अगर वो सारी पहली चीज़। तो ओसवाल्ड एक्चुअली पेस्टर मेंडर और इसकी माँ चाहती है कि बिल्कुल भी ओसवाल्ड वैसा ना करे जैसे इसके बाप ने किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी बीच में जो है ये एक आवाज़ सुनते हैं किचन की ओर से आती है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है अफेयर टाइप का। तो फिर बातचीत करते हैं मिसेज एल्विंग और मिस्टर मतलब पेस्टर मेंडर बातचीत करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर इसी बीच में जो है पहली बार मिसेज एल्विंग कहती हैं कि स्पीकिंग्स ऑफ हाउ दिस घोस्ट ऑफ द पास्ट एवरीवेयर, ये इसी टाइम पे घोस्ट का नाम लेती है। घोस्ट कहीं भी भूत से रिलेटेड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट कहीं से कहीं ना कहीं सामने से मिलेगा आपको। घोस्ट क्या है, अब मान लो कोई घर भूता है, मतलब हॉन्टेड हाउस है, तो वहाँ पे भूत आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो ये इन्होंने बोला है उन थॉट्स के बारे में बोला है, उन पास्ट के थॉट्स को जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, आप कितना ही कोशिश कर लो उससे आप नहीं बच सकते। तो घोस्ट यहाँ पे मिसेज एल्विंग ने इस चीज़ को बोला है कि जैसे ओसवाल्ड मतलब एल्विंग ने, मिस्टर एल्विंग ने किया था जोहाना के साथ जो कि इनकी पहली मेड थी, वैसे ही कहीं ना कहीं ओसवाल्ड भी कुछ कर रहा है ऐसे। तो इसी चीज़ को उसने घोस्ट बोला है, मतलब ओल्ड यादें जो हैं वो रिपीट होती रहती हैं, आप नहीं बच सकते उसको उससे। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है इंस्टेंट वहाँ पे प्रकट हो जाता है, प्रकट इन द सेंस आ जाता है, और बोलता है कि ठीक है सारा कुछ तो तैयारी है, आज शाम है, कल ओपनिंग सेरेमनी है, तो आज हम जो है एक इवनिंग प्रेयर करने जाएंगे उसी मेमोरियल में। ठीक है, उसी मेमोरियल में एक प्रेयर करने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बात चल रही होती हैं। तो ये कहते हैं ठीक है चलेंगे शाम को, कल ओपनिंग सेरेमनी, आज थोड़ा सा कैंडल वैंडल जला के आएंगे वहाँ पे, देखेंगे जो भी होगा। तो ये सारे मान जाते हैं। ठीक है, तो अब पेस्टर मेंडर से रहा नहीं जाता जब इतना कुछ पता चल गया इंस्टेंट के बारे में। इंस्टेंट ने जोहाना के साथ शादी करी थी, वो जोहाना जिसका ऑलरेडी अफेयर था मिस्टर एल्विंग के साथ। तो इंस्टेंट से ये पूछ ही लेता है और कहता है कि तुमने मेरे को आज तक ये बताई नहीं ये बात कि तुम्हारी जो वाइफ थी वो फॉलन वाइफ थी, फॉलन वुमेन थी, ऑलरेडी किसी की थी।
तुमने पैसे लिए थे, तुमने कभी आज तक बताया नहीं। तो मेंडर इस बात को सोचता है और जब बोल देता है अपने फ्रेंड इंस्टेंट को, कहते हैं कि तुमने आज तक ये मेरे से छुपाया। तो इंस्टेंट बोलता है कि देखो मेरा कोई मोटिव नहीं था ये सारी चीज़ें छुपाने का, बट मैं नहीं चाहता था कि एक विमेन जो है जिससे मैंने शादी करी है उसका नाम और ख़राब हो, मैं नहीं चाहता था ये सारी चीज़ें। बात तो बोलता है, फिर माफ़ी वाफ़ी मांगता है, फिर सारी चीज़ें पता लगती हैं। पहले तो मैंडर ये भी पूछता है कि तेरे को सही में पैसे मिले थे, 70 पाउंड मिले थे शादी करने के? तो पहले तो मना कर देता है, फिर कहता है हाँ मिले तो थे, बट मैंने उस कभी भी उस पैसे का ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही मैंने कभी जो है गलत तरीके से कुछ यूज़ किया, और ना ही तो मैंने जोहाना के साथ कभी भी गलत व्यवहार किया। ये सारी चीज़ें बताता है। मैंडर जो है सुन के चौंक जाता है, फिर कहता है कि सॉरी फ्रेंड मैंने तुम्हें गलत समझा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर एक दूसरे से, फिर मैंडर जो है वहाँ से चला जाता है और इंस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है। फिर ओसवाल्ड आता है अपनी माँ के पास, और देख सकते हो आप यहाँ पे ओसवाल्ड अप्रोचेस हिज मदर। तो वो कहता है कि माँ मुझे कुछ बताना है। अब ये बताने वाला क्या होता है एक्चुअली, कि वो रजीना से जो है प्यार करने लगा, ये बताने वाला होता है, ठीक है। तो इससे पहले भी रजीना से प्यार करती है तो बाद में बताता, लेकिन इससे पहले भी इसको बहुत सारी चीज़ें अपनी माँ को बताना होता है। तो अपनी माँ के बीच में जो है ये फिर एक बहस छिड़ती है कि आपने आज तक मेरे को घर में क्यों नहीं रखा, क्यों आज तक आपने पेरिस में रखा, क्यों आपने ये सारा कुछ जो है ऐसा प्लान किया था कि मेरे को हमेशा बाहर ही रखा, अपने साथ कभी रहने नहीं दिया, कितना मैं अकेला फील करता था, ये सारी चीज़ें बोलता है। फिर कहता है, इसकी माँ कहती है कि सही में तुम ऐसा फील कर रहे हो? फिर ये सोचता है कि अपनी माँ को बताता है अपनी बीमारी के बारे में, वो बीमारी जो कि उसको हो गई थी उसके फादर से। आपको पता होना चाहिए एक होती है बीमारी, सिफिल नाम की एक बीमारी होती है, या फिर गोनोरिल बोलते हैं इसे, जो कि हो जाती है आपके मतलब किसी के प्राइवेट पार्ट्स में जो है, मेल या फीमेल है उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो है एक ऐसी बीमारी जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को सड़ाने लगती है, गलाने लगती है, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती हैं। ये बीमारी जो है इन्फेक्शन टाइप में होती है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण जो है फैल जाती है, आपके एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के बीच में ये फैल जाती है बीमारी। तो ये बीमारी काफ़ी चल रही थी उस टाइम पे, अगर बात करें हम यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो ये बीमारी काफ़ी थी, क्योंकि लोग मान तो है नहीं रहे थे। अब वाइफ किसी और की सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ कर रहे हैं, तो ये बीमारी जो थी वहाँ पे बहुत ही विकराल रूप ले रही थी उस टाइम पे। तो ठीक है, तो ये बोलता है ओसवाल्ड, बोलता है कि मैं एक्चुअली इतने साल पेरिस में रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर से मिला था एक बार, तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ, मेरे को ये बीमारी जो है हो गई है। आई थिंक डॉक्टर ने मेरे को ये बताया था कि ये बीमारी जो है मेरे को अपने पापा से ही मिली है। फिर वो ग्रेट जॉय इसके बारे में बोलता है कि कैसे वहाँ पे जो है इतना ग्रेट जॉय था, ग्रेट जॉय इसके बारे में बताता है पेरिस वगैरह के बारे में, लेकिन ये बीमारी जो है उसने इसकी सारी जॉय को छीन लिया। कहता है कि ये बीमारी जो है हेरिडिटरी है, इसको ये कहता है अपनी माँ को कि ये बीमारी जो है हेरिडिटरी है, डॉक्टर ने बताया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिफिल जो है एक ऐसी बीमारी है जो मैंने बताया आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो जाता है, और आपको फोड़ा टाइप में ही समझ लो, फोड़ा फुंसी टाइप में होता है, गलाने लगती है पूरी बॉडी को आपको आपकी, और इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि आप सोचोगे कि इससे बेटर है कि मर जाना, ठीक है। तो यही बोलता है कि, तो ये सारी जब चीज़ें सुनती हैं तो इसकी माँ चौंक जाती है, घबरा जाती है। तो फिर ये पूछता है कि माँ एक्चुअली मैं तो रजीना से प्यार करता हूँ, तो ये बताओ रजीना ही मेरी लास्ट सेल्वेशन है, वही मेरे को मुक्ति दे सकती है इस दर्द से, ठीक है। तो मिसेज एल्विन जब ये सारी चीज़ें सुनती हैं तो अच्छा नहीं लगता उनको, वो सोचती है कि एक माँ में ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक माँ नहीं दे सकती बट रजीना दे सकती हैं, क्योंकि एल्विन की तो एक लास्ट वही चीज़ बची थी ना, होप, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब और बातचीत बढ़ती ही, इससे पहले पता लगता है कि एक्चुअली इनका जो ऑर्फनेज था उसमें आग लग गई होती है। अब ऑर्फनेज में आग लग गई काफ़ी दुखद खबर थी, तो पार्ट 3 हमारा यहीं पे स्टार्ट होता है। ऑर्फनेज पूरी तरीके से जल चुका है, मिस्टर एल्विंग जो है अब कुछ भी ऐसे नहीं है, दुखी भी नहीं है ज़्यादा, कि चलो वो सोचती है चलो ठीक है उसके पैसे की चीज़ थी, और उसके पैसे की यानी कि एल्विंग के पैसे की चीज़ कोई भी नहीं बचेगी। सेम चीज़ यही बोलता है ओसवाल्ड भी, बोलता है कि मेरे बाप से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, वो ऐसे ही जल के ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जलना, फायर, लाइट, ये सारी चीज़ें ना ये शो करती हैं कि सारी जो सच्चाई है वो उभर के आएंगी आएंगी, क्योंकि लाइट का काम क्या है, सच्चाई प्रकट करना। तो ये सारी चीज़ें उभर के आएंगी आएंगी, एक इमेजरी है स्टोरी में, ठीक है, तो एक मेटाफर समझ लो। तो आएंगी आएंगी सारी चीज़ें घूम के, और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो कि मेरे बाप से रिलेटेड है। ये बोलता है कौन, ये बोलता है आपका ओसवाल्ड, ठीक है। तो अब अगले दिन ही जो है फिर पेस्टर मेंडर आता है, क्योंकि पेस्टर मेंडर ने ये बोला था कि आप इसकी जो है इंश्योरेंस मत करवाना।
तो इंस्टेंट पे सवाल उठाता है ये मेंढर कि इंस्टेंट नहीं जलाया होगा कि किसी ने एक बार वो आग लगाई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस स्टोरी में बताई थी। लेकिन पेस्टर मेंढर पे ये उल्टा इंस्टेंट बोलता है कि तुम ही लेके गए थे कैंडल तो तुमने ही आग लगाई है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है अखबार में छप मतलब अखबार में छप जाएंगी, तुम्हारा नाम ख़राब होगा, इससे बेटर है कि मैं खुद पे ये इंजाम ले लूँगा। लेकिन ये बताओ क्या तुम मेरे को फाइनेंस करोगे, जो मैं एक ब्रोथल ये कोठा बनवाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरी बेटी काम करना चाहेगी, तो क्या तुम उसके लिए मेरे को फाइनेंस करोगे। तो ये ब्लैकमेल करता है मेंढर को, तो मेंढर जो है तैयार हो जाता है। तो वही मेंढर जो कि ओसवाल्ड के रिलेशनशिप को गंदा बता रहा था कि इतना शादीशुदा होते हुए तुम मल्टीपल वीमेन के साथ अफेयर कर रहे हो, वो मेंढर एक कोठा खुलवाने के लिए तैयार हो जाता है ब्लैकमेलिंग के कारण। तो आप देख सकते हो हिपोक्रेसी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सारा कुछ इनके बीच में चलता है। अब ज़्यादा बात छुपी नहीं होती, अब सारा कुछ तो सामने आ ही जाता है, अब सारा कुछ जल ही चुका है, सब कुछ पता लग चुका है। मिसेस एल्विंग सोचती है कि अब इनको जो है सच्चाई बता दूँ, रजीना को सच्चाई बता दूँ और ओसवाल्ड को भी सच्चाई बता दूँ, तो ये बता देती है। तो रजीना को जब पता लगता है कि जोहाना का जो अफेयर था उस मिस्टर एल्विंग के साथ था, तब जाके ये पैदा हुई थी, तो ये अपने आप को घिरा हुआ फील करती है और अपने आप को चीटेड फील करती है। जब ये चीटेड फील करेगी तो क्या करेगी, तो जब ये अपने आप को चीटेड फील करती है तो वो सोचती है कि यार मिसेज एल्विंग ने तो मेरे साथ चीट किया है, तो वहाँ से चली जाती है। तो फिर ओसवाल्ड दुखी होता है जाते हुए देख, बट अब क्या कर सकता था। मिसेज एल्विंग दूसरी साइड में कहती है, रजीना अगर तुम जाओगे तो तुम बचोगी तो नहीं, वैसे भी करोगे क्या तुम, रोजगार कौन देगा तुम्हें, मतलब कैसे अपने जीवन का सर्वाइवल आगे करोगे तुम। तो वो कहती है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, पेस्टर मेंढर है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा वो मेरे लिए, अगर नहीं भी तो मेरे बाप का कोठा तो तैयार ही है जिसमें मैं काम कर ही सकती हूँ। तो ये बोलती है रजीना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हर्ट फील करती है जब ये सारी चीज़ें सुनती है। तो ठीक है, तो इमिडिएटली जो है रजीना वहाँ से चली जाती है। अब लास्ट होप थी ओसवाल्ड की रजीना, क्योंकि उससे प्यार करता था। मिसेज एल्विंग कहती है कि रजीना में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, मतलब मैं क्या नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी वो सारी सेवा कर सकती हूँ। इसी बीच में जो है फिर ओसवाल्ड जो है अपनी जेब से जो है एक मॉर्फिन की टेबलेट्स निकालता है, मॉर्फिन निकालता है। मॉर्फिन क्या है, सिफिल जब हो जाता है ना आपको, तो आप दर्द को कम करने के लिए दवाई लेते हो, जैसे दर्द को कम करने के लिए दवाई होती है, उसी टाइम पे उस टाइप पे जो है नशा आता था, जिसको जिसको आप वो बोलते हो क्या कहते हैं, भांग धतूरा गांजा, ये जो होती है ना ये सारी चीज़ें आपके दर्द को कम करने के लिए पिया जाता है। तो एक ऐसे ही टाइप की जो है कुछ निकालता है वो, तो वो रखता है अपनी माँ के सामने। वो कहता है कि तुम्हें ये देना पड़ेगा, अगर आप कहते हो कि मैं सारा कुछ कर सकती हूँ तो आपको ये देना पड़ेगा। तो ये बहसबाजी चलती है, माँ अपने बेटे को संभालते हुए दिख रही है यहाँ पे, देख लो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर वही है, माँ कहती है ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे से, बट स्टिल बाकी फिर धूप निकलती है, क्योंकि जब से ये आया था उस दिन से बारिश ही हो रही थी, बट अब धूप निकलती होती है, बेड पे पड़ा हुआ होता है, इसकी माँ बैठती है उसके साइड में। अब देखो इसकी सारी होप ख़त्म हो चुकी है, बीमारी ऑलरेडी है, बचना मुश्किल ही है, कभी बाप बन नहीं सकता क्योंकि ये बीमारी जब हो जाती है तो आप एक जो है कभी भी फादर नहीं बन सकते वगैरह वगैरह, और बचना मुश्किल ही था। लास्ट होप चली गई रजीना जिससे प्यार करता था, माँ कुछ कर नहीं सकती, बीमारी ऑलरेडी है। तो ये कहता है कि अब ये ना पैरालाइज टाइप में हो जाता है, पड़े पड़े बेड में, माँ बिल्कुल हैरान मुंह खोल के कि ये क्या हो गया मेरे बेटे को, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही परेशान। ओसवाल्ड बेड में पड़ा पड़ा बिल्कुल ही लाइफलेस हो जाता है, डल हो जाता है, कुछ चीज़ें याद करने लगता है और है कुछ चिल्लाता है वो मनी मन, एक वर्ड बोलता है बार बार, ये यहाँ पे शायद वो वर्ड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, एक वर्ड बोलता है कि मतलब सूरज आ गया है, सूरज आ गया, ऐसे कुछ करके बोलता है ये, और फिर स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। बेड पे पड़ा पड़ा वो बिल्कुल डल हो जाता है, ऐसे समझ लो कि बिल्कुल लाइफ ऑलरेडी जो है त्याग चुका होता है, डेथ टाइप में समझ लो। डेथ वैसे यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं स्टोरी में, स्टोरी में आपको बिल्कुल एंड में ये नहीं पता लगेगा कि इसकी डेथ हुई थी क्या हुई, बस ये वो चीज़ रिपीट करने लगता है और इसकी माँ जो है हैरान परेशान देखने लगती है। तो कहानी के एंड में ये हुआ कि ये जो माँ थी जो ओवर प्रोटेक्टिव थी अपने बेटे के लिए, जो ख्याल ज़्यादा कर रही थी, वो होना वही था जो हुआ, फेट में बच नहीं पाया, ये भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाई उस हिसाब से जो कि वो सोचती थी कि वो अपने बाप पे ना जाए, बट स्टिल वो सारी चीज़ें हो ही गई क्योंकि जेनेटिकली वो चीज़ उसके में ट्रांसफ़र हो चुकी थी वो बीमारी। तो ये पार्ट वन था वीडियो का, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है ये, आई थिंक 30-40 मिनट्स की हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये पार्ट वन है, पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा टेक्स्ट के लिंकेज मॉडर्निज्म के साथ और रियलिज्म के साथ, मैंने काफ़ी कुछ इसमें बताया भी है बीच बीच में मॉडर्निज्म और रियलिज्म को लिंक करके, कि कैसे जो यही तो मॉडर्निज्म है कि आप
मतलब एक मॉडर्न फिलोसॉफी है, आप शादी भी नहीं हुई बट स्टिल आप किसी वीमेन के साथ रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पार्ट वन ऑफ दी वीडियो था, ये फिनिश्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। समरी वगैरह सारा कुछ मैंने आपको क्लियर बताया, करेक्टर बताया, कौन कैसा था, सारा चीज़ बताया। तो आप इंस्टाग्राम पे संतोष लिटरी माइंड से सर्च कर सकते हो मेरे को। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर 8383089454, आप इस वीडियो को व्हाट्सएप जहाँ जहाँ शेयर करना चाहते हो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।